नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मौसम समाचार में। आपको बता दें मौसम को लेकर अभी अभी उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही कि यूपी वेदर रिपोर्ट, मूसलाधार बारिश से सुहाना होगा मौसम, 3-4 दिनों तक झमाझम बरसेंगे बादल, मौसम विभाग की चेतावनी। तो चलिए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में अभी 3-4 दिनों तक झमाझम बरसेंगे बादल और किन किन जिलों में चेतावनी जारी की है। वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी, वीडियो को अंत तक देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौसम समाचार में आपको बता दें कि आज मौसम बादलों की गर्जना और मूसलाधार बारिश लेकर आया है। आपको बता दें बीते कुछ समय से शुरू हुई बारिश दिन भर छिटपुट चलती रही, प्रदेश के कई जिलों में मेगा जमकर बरसे। मौसम विभाग के अनुसार 3 दिनों तक उत्तर प्रदेश के अधिकतर पूर्वी जिले समेत उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। साथ ही कई जिलों में तेज हवाओं के साथ गरज चमक भी होगी। आपको बता दें कि प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। बलिया में 48.2 मिलीमीटर, बांदा में 30 मिलीमीटर, मुरादाबाद में 27.2 मिलीमीटर। वहीं आपको बता दें कि उरई में 13 मिलीमीटर, झांसी में 10.8 मिलीमीटर, हमीरपुर में 12 मिलीमीटर, आगरा में 6.3 मिलीमीटर, इटावा में 4 मिलीमीटर और फुर्सतगंज में 2.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कानपुर, बैराजचुर्ग, सोनभद्र, प्रयागराज, अलीगढ़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बरेली और वाराणसी में हल्की फुल्की बारिश दर्ज की गई। इसी बीच अगर तापमान की बात करें तो राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं 1.6 मिलीमीटर बारिश हुई। प्रदेश में अधिकतर जिलों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज हुआ है। सबसे अधिक तापमान फतेहगढ़ में 38.4 डिग्री सेल्सियस और बलिया में 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं प्रदेश में न्यूनतम तापमान फतेहगढ़ में 21.6 डिग्री सेल्सियस और मेरठ में 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ और आसपास के जिलों में आपको बता दें बदली छाई रहेगी, कुछ जगहों पर भारी बारिश होगी। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। इसी बीच आपको बता दें कि लखीमपुर में सामान्य तौर पर बादल छाए रहेंगे। आपको बता दें कि आज ठंडी हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आएगी। वहीं फैजाबाद में भी आपको बता दें हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होगी। नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज भारी वर्षा की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वीडियो के आखिर में आपको बताते चले कि उमड़ती घुमड़ती काली घटाएं आपको बताने शहर पर कुछ इस कदर मेहरबानी हुई कि आपको बताने कई जगह टुकड़ों में हुई झमाझम बारिश ने सड़कों को तालाब और गलियों को आपको बताने समंदर में तब्दील कर दिया। कामकाज के लिए निकले लोगों के लिए आफत बनकर बरसे बादल, जाम जल भराव की मुसीबत के साथ बिजली भी उड़ा ले गए। बड़े इलाकों में आपको बताने घंटों तक बिजली कटौती से जूझना पड़ा। आपको बताने शुरू हुई बारिश से आप बताने बारिश में कई इलाकों में भीषण जल भराव ने राहगीरों को बेबस कर दिया। कई जगह जाम पानी निकलने के लिए पंप लगाए गए तो कुछ जगहों पर सड़कें धस गई। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया है कि लखनऊ में आपको बता दें अच्छी बारिश हुई, मगर जितनी रिकॉर्ड हुई उतना ही आंकड़ा जारी किया गया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजेतरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।